আমি আবার উপস্থিত ছিলাম দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিশ্বের সাথে, ওনাকে একজন রাষ্ট্রীয় প্রভারী মঞ্চার অফ ভারতীয় জনতা পার্টি রাজু জুড়ায় আমি এই প্রশ্ন শোধ করা ছিল বা ছুম আজ ওই অন্তর্বর্তমান কিন্তু পাহাড় বাইলে বিশেষ জন চর্চাকে বিষয় হয়ে আছে আসামকো গোর্খা কোলাগি আসামকো সাংসদ সায়দ গোর্খার কই হিত কোলাগি কে কোশ্চেন শোধে গেছে কেন ওয়াকে ভোট কো বাজার কো করাছে ওয়াকে ভোট কো ব্যাংক কো করাছে কেন ওয়া আসাম মা জিতনু ছ সায়দ তিও চিজ লিয়ে আসামকো গোর্খার কো জুন লাগি আসাম কংগ্রেস সাংসদ জন গৌরব গগৈল শব্দ উঠা গেছে তিনি এরা পাহাড় উত্তর বোধ হয়ে গেছে তিও বিশ্বের রাজু জুলাই আদেশ রাজু নমস্কার 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 রাজু এক বাদ কে আনা আসাম কা সাংসদ নে কুছ দিন পেয়ে মিনিস্টার হোম অ্যাফেয়ার্স নে প্রশ্নকালীন আওয়ার মে উনি কুছ জবাব মাঙা থা মিনিস্টার হোম অ্যাফেয়ার্স সে বহুত জবাব ভি আ গিয়া থা লেকিন ইস বিষয় কা আপকা কহনা কিয়া দেখিয়ে এক তো নমস্কার আর मैं आपके माध्यम से दार्जिलिंग की तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और आपने जो सवाल पूछा और उसमें जो आप बात आपने कही मैं ये बात नहीं मानता कि शायद गौरव गोगोई जी ने वोट बैंक के लिए कुछ ऐसा किया होगा क्योंकि आसाम में कांग्रेस साफ है और आज गोरखा भी उनके साथ नहीं है ये बात वो भी जानते हैं और कांग्रेस की दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गली और न 19 में गली न 21 में गली सो वो प्रश्न पूछने से उनको कोई वोट बैंक का लाभ होता होगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है हमारे में से ही किसी ने उनको जरूर ये कहा होगा कि आप जरा पूछिए जरा देखिए तो ये असल में चल क्या रहा है। अच्छी बात है उन्होंने पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी सरकार को बहुत सारी चीजें पूछने में कई बार हम लोग संकोच करते हैं, ये स्वाभाविक है। और मैं पूछने पे विश्वास कम रखता हूं, करने पे ज्यादा रखता हूं। एक नेचुरल स्वभाव होता ही है कि मतलब जनरली ओपोजिशन के सवाल जो है ज्यादा तीखे होते हैं। जब हमारी पार्टी ओपोजिशन में थी तब ये नेचुरल सी बात होती थी, लेकिन उन्होंने पूछा उसका जवाब आया और मैं बहुत अति संतुष्ट हूं। कारण भारत सरकार ने ये कहा कि गोरखा के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए दार्जिलिंग तराई डूवर्स के साथ साथ देश भर के गोरखाओं की हमारे लिए ये प्राथमिकता है, मतलब प्रायोरिटी में है। क्योंकि दार्जिलिंग तराई डूवर्स की मांग अलग है, बाकी प्रदेशों की अलग अलग है, कुछ हो भी सकती है। सो मुझे लगता है कि इस बात से ये भी तय होता है कि स्थायी राजनीतिक समाधान या गोरखालैंड की समस्या के समाधान के साथ एक द्वार खुला है कि हम इस वार्ता के दौरान हमारे जो अन्य प्रदेश में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोग हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक रूप से उस उत्तर के अंदर में झलकता है। और ये बात मैं कहूं तो उसमें उतना दम नहीं है, लेकिन अगर ये भारत सरकार लिखित में देती है तो मुझे लगता है हम सबके लिए ये खुशी की बात है। दूसरा बात, 12 अक्टूबर को वार्ता हुई थी, ये भी प्रमाणिक होती है। हालांकि हमें किसी को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका समाधान होना है और उस दिन भारत क्या पूरी दुनिया को ये बात पता लगनी है। बट फिर भी तब तक जो लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं और ओपोजिशन में स्वाभाविक सी बातें वो करते ही हैं, मुझे बेचारे उन लोगों पे ज्यादा सुनाना भी उचित नहीं लगता, लेकिन वो पीआईबी में भी लिखित में दी थी और वो प्रमाणिक हो जाती है जी। तीसरी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, गोरखाओं की जो एस्पिरेशन है उनके मुताबिक हम समाधान करें। और स्वाभाविक है किसी भी
गोरखा से पूछोगे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, कोई भी हो, तो वो गोरखालैंड अलग राज्य की ही बात करेगा। सो वहां तक पहुंचने के लिए द्वार खुला है, कोई भी द्वार बंद नहीं है, ये बात भी स्पष्ट होती है। सो इससे जो है हमारी मांग जो थी उसको और मजबूती मिलती है, और मतलब हमको कहीं भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ पता चलता है। और फिर एक बात को लेकर के बहुत सारी प्रश्न उसमें है कि मतलब कंसल्टेशन स्टेट के साथ करके करेंगे, स्वाभाविक है, कंसल्टेशन तो आज भी हम कर रहे हैं। और जब ट्राइपार्टाइट टॉक हुआ, हमने केंद्र और गोरखा के रिप्रेजेंटेटिव के साथ स्टेट को बुलाया उनसे वार्ता करने के लिए, क्योंकि कोई भी समाधान अगर बातचीत से निकलता हो वो सबसे ज्यादा स्थिर टिकाऊ होता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। स्टेट अपनी बात रखेगी, अगर उस बात पे गोरखाओं को मान्य नहीं होगा, अगर राजी नहीं होंगे, तो फिर केंद्र सरकार के पास वो क्षमता है, वो ताकत है, वो अपने हिसाब से भी समाधान कर सकती है। लेकिन हम उनको ट्राइपार्टाइट टॉक में बुलाएं और हम ये कहें कि जो भी करेंगे हम ही करेंगे, स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है आज उचित नहीं है, भविष्य में क्या होगा वो अलग बात की बात। सो कुल मिला के मैं गोगोई जी का आभारी हूं, स्पष्ट हुआ है, क्लिस्टर क्लियर है। इस प्रश्न पूछने के बाद, जवाब के बाद भी मैं गोगोई जी से मिला था, मैंने उनको धन्यवाद कहा, मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि आपको उंगली किसने की, वो मुस्कुराते रहे, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो भी कह रहे थे जवाब बहुत अच्छा है, तो मैं उनको एक बार और बधाई दे। आर्टिकल 377 की राय कुछ सवाल उठाया था और आपने कुछ अपना सोशल मीडिया में भी आपने शेयर भी किया था, आखिर क्या? देखिए, मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं बहुत बार विषय रख चुका हूँ जी, और इतनी बार रख चुका हूँ कि जो है सरकार को और सदन में सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं सांसद हूँ, जब भी मौका मिले, अपने क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, उनके जो इश्यूज हैं, मैं उठाता रहूँ, वो करता रहता हूँ। कल भी मुझे मौका मिला, 377 रूल के अंतर्गत जो है मैंने उसमें यही कहा कि 100 साल से पुरानी स्टेटहुड की मांग है, उसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, 2 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, वो पूरी तरह फेल रहे, और पश्चिम बंगाल की जो भी सरकारें रहीं, चाहे टीएमसी चाहे सीपीएम, उनका अन्याय अत्याचार जो था वो आज भी कायम है। और मैंने भारत सरकार को भी ये धन्यवाद दिया कि ट्राइपार्टाइट टॉक स्टार्ट हुआ है, और मैंने गृह मंत्री से ये निवेदन किया है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए और लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हों। इस देश ने हर एक नागरिक के सपने एक एक करके पूरे किए हैं और हमारे सपने बहुत पुराने हैं, मुझे लगता है उसको भी जल्द से जल्द करना चाहिए। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात करता रहता हूँ, मैं पीछे भी 3-3.5 घंटे तक गृह मंत्री जी के साथ बैठा था। सो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी अपनी बात रखता हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी अपनी बात रखता हूँ, मैं अपने कागजात और अपनी जो है चीज़ें पुख्ता कर रहा हूँ, वो मेरा काम जारी है और जब भी मौका मिलेगा आगे भी करता हूँ। राजू, देखिए अभी दार्जिलिंग जिला में, मतलब बंगाल में है, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, और आज कोलकाता नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं। विगत टाइम में आप लोग को जो फ्लो था विधानसभा चुनाव में, उस आधार से भी आज आप नेशनल प्रोबाजी है भारतीय जनता पार्टी, तो स्पोक पर्सन होने के नाता आप क्या करना चाहते हैं? आप दार्जिलिंग के जो चुनाव आ रहे हैं, 3-3 म्यूनिसिपैलिटी 4-4 म्यूनिसिपैलिटी है दार्जिलिंग में, साथ में आपका जिला में सिलीगुड़ी भी नगर निगम आ जाते हैं, ये चुनाव लेकर और दार्जिलिंग का GTA का चुनाव लेकर कुछ? देखिए, कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ वो स्वाभाविक ही था, और जिस तरह की TMC की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है पिछले 11 साल से, और जिस तरह से हिंसा, अन्याय, अत्याचार, डराना, धमकाना, गुंडागर्दी को TMC ने अपना USP बनाया है,
और 2021 के चुनाव के बाद ये बहुत स्वाभाविक था और हमारे तीन लोग जीते, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक नॉर्थ बंगाल की या दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की है, दोनों अलग विषय हैं और दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। मैंने म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर के अपना बहुत दिमाग लगाया नहीं हूं, क्योंकि मेरा अभी तक पूरा फोकस यही है कि टॉक्स हो और कोई समाधान हो, मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी वो है। लेकिन संविधान के दायरे में जो भी चुनाव आएंगे, एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण वो चुनाव लड़ेगी और जो है समय आने पे हम बताएंगे। मेरे पास बहुत इश्यूज अभी भी बताने के लिए हैं कि सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के अंदर में क्या स्थिति है, सीपीएम ने कैसे चलाया पिछले 6-8 महीने से, टीएमसी क्या कर रही है, मतलब हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, सीवरेज ड्रेनेज से लेकर के व्यापारियों को किस तरह से जो है लूटा जाता है, मतलब वो तमाम मुद्दे हैं। कॉरपोरेशन आप केएमसी को देखिए, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, सिलीगुड़ी को 300 करोड़ रुपये सेंक्शन होता है, उसमें आधा पैसा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, समय आप आने पे करेंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि परिस्थितियाँ नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की भिन्न हैं और आज भी नॉर्थ बंगाल की जनता मोदी जी पे विश्वास लगा के बैठी। ठीक इस जगह पे जीटीए का विषय लेकर हम आ रहा है, आप संसद में ऑलरेडी आवाज उठा दिया, जीटीए को चुनाव नहीं होना चाहिए और जीटीए चुनाव नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जीटीए अभी तो बात चल रहा है ना, बात देखिए मेरा देखिए मेरा इसके अंदर में ये कहना है, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं ना तो कोई पार्लियामेंट में आवाज उठाया था, बुलंद किया था। मेरा काम है जिससे मेरी जनता को चिढ़ है जी, वो मुद्दा उठाना, ये मेरा फर्ज बनता है। मान लीजिए कल को राजू बिष्ट भारतीय जनता पार्टी फेल होती है स्थायी राजनीतिक समाधान देने के लिए, करो ना आप जीटीए, आपको करना है, हिल काउंसिल करना है, कुछ और करना है, करो चुनाव, कौन रोकता है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ट्राइपेटाइट टॉक के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आपको भी निमंत्रण दिया है, आप भी उस बैठक में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, ठीक उसी समय आज तक तो आपको 17 से लेकर के 21 तक 4.5 साल तक तो आपको होश नहीं रहा, आप नींद में रहे, और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब हमें लग रहा था कि कुछ होगा जी, आप उस प्रोसेस को अटकाने के लिए आपने एक और प्रोसेस शुरू कर दिया जी। मेरा तब भी पार्लियामेंट में कहना इतना ही था और आज भी वही बात कर रहा हूं कि जब तक ये ट्राइपिटर टॉक का नतीजा नहीं निकलता जी, तब तक जीटीए चुनाव उस दौरान कराना वो जनता के साथ अन्याय होगा, धोखा होगा। और अगर ममता दीदी, मतलब कुछ उनके चेले चपाटे को लेकर के ऐसा करने के लिए वो मजबूर करती हैं, तो मुझे लगता है एक बार फिर वो पॉलिटिकल सुइसाइड दार्जिलिंग में करेंगी। अच्छा, क्योंकि देखिए 17 में उन्होंने वही गलती की थी, भाषा को लेकर के अतिक्रमण करने की चेष्टा हुई, और जब अब जनता उनको 19 में बता चुकी है, 21 में बता चुकी है कि ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए जो हमारी आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं करती, नहीं डेवलपमेंट देती, नहीं विकास, एक सिर्फ जो है करप्शन का डब्बा है और कुछ चुनिंदा नेताओं के जेब में पैसे जाते हैं और जनता ठगी की ठगी रहती है, सो ऐसी व्यवस्था को तो लात मारने के बजाय और करना क्या चाहिए। कुछ लोगों को पावर मिलती है, पैसे मिलते हैं, अब ठीक है उनकी दुकान चल रही है, उनका शटर खुला है, इसलिए वो जरूर जो है उसकी मतलब पैरवी करेंगे। लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कहीं भी जो है जीटीए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की जनता के हित में नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है, और जनता चाहती है स्थायी समाधान हो, जल्द हो, ये मैं जानता हूं, और जल्द हो इस चक्कर में जो है मैं लगा हुआ हूं कि जल्द से जल्द इस चीज को हम क्लोज करें और जो है कुछ बड़ा दार्जिलिंग को मिले। खैर वो तो समय बताएगा, क्योंकि सब चीज मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूंगा,
अब तक हमारे नेतागण जो दिल्ली आते थे उनको अपनी मांग रखनी पड़ती थी, उनको यही कहा जाता है था कि हम देखेंगे करेंगे। लेकिन मेरे साथ एटलीस्ट वो नहीं है, मैं उस पूरे बैठक का हिस्सा रहता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, क्या योजना से करना है, मैं उसका हिस्सा हूँ। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पेट में हैं, मैं आज उसको उगल नहीं सकता, समय आने पे थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा। इतना ज़रूर मैं आश्वासन जनता को देना चाहता हूँ, 5 साल बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि गलत आदमी को हमने वोट दिया, बस इतना मैं जरूर। राजू जी, हमारे अंतर्वर्ती का अंतिम पर्याय है, 2 सवाल से हम आपको बस रखने, उसके बाद हमारा ये अंतर्वर्ता आज यहाँ पे एंडिंग करेंगे। पहले सवाल तो ये है, सदन 2 दिन चलेंगे, इस 2 दिन चलने का वक्त आप सदन में, आपका जिला के अंदर में जो पहले भी एम्स होने का एक बात चल रहा था नॉर्थ बंगाल में, जो नॉर्थ बंगाल से काट कलानी में चला गया था, नदिया कलानी में चला गया था, इस बार भी सदन में बस कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री के पास हम लोग को विशेष सूत्र से खबर मिले थे, जो उत्तर बंगाल के सांसद लोग डिमांड रखा था एम्स के बारे में कि उत्तर बंगाल में एम्स सिलीगुड़ी में हो सकता है, जो आपका संसदीय क्षेत्र में हो सकता है, तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बाद चल रहा था आपका निर्वाचन, ठीक है, उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, पार्लियामेंट में मुद्दा रखना मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री जी से भी मिले हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष से भी ये बात हुई है, सरकार उचित समय पे उसकी घोषणा करेगी, और नॉर्थ बंगाल की आवश्यकता भी है, और मुझे लगता है उसके कारण 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो नॉर्थ बंगाल में रहती है उनका, उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है मतलब ये एक जो है उपलब्धि होगी केंद्र सरकार की ओर से। और लास्ट क्वेश्चन यही है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, केंद्र सरकार और तृणमूल कांग्रेस का राज्य सरकार, ये दोनों का जुदाई में आप जो निर्वाचन क्षेत्र में आपको जितना आकांक्षा रहते गोरखा आदमी ने वोट देके यहाँ पे इतना ओहदा में क्या रखा है इतना ज्यादा वोट से, लेकिन जनता तो सैंडविच हो रहा है ना राजू जी, सैंडविच ना हो तो उनके लिए थोड़ा जल्दी से क्या दवा मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है? देखिए, कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, और मुझे लगता है राजनीति ऐसे ही होती है, केंद्र सरकार की पूरी इच्छा है कि हम करें। मैं आज भी मेरे उसमें देखेंगे एक प्रेस में, केंद्र सरकार ने 16 करोड़ की स्वीकृति दी एकलव्य स्कूल के लिए कालीमपुर, 8 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार को मिल चुका है, लेकिन वो पैसे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता, कोई डीपीआर तैयार नहीं है, मतलब उसके ऊपर में जो स्टेट ने काम करना था 0। सो ये मैं देख रहा हूँ टीएमसी का ये स्वभाव है, गोरखाओं को डिप्राइव करो, इनकी आवाज को दबा के रखो, इनको अपने पैर के नीचे रखो, इनको सिर्फ जो है चाय बगान का मजदूर तक ही सीमित रखो, जिससे ये अपनी डिमांड को बार बार रेज ना कर सके, गलत फहमी में है, मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ, समझ जाए ठीक है, तरीके बोलते हैं एक। सो मतलब जो जो ये जो सोच है जो गोरखाओं के प्रति मतलब ये एक स्वभाव बन गया है पश्चिम बंगाल में, किसकी भी सरकार रहे वो दार्जिलिंग को उसी जो है मतलब दर्जे से देखती है। और जहाँ तक ये जो सैंडविच का विषय है, जब टीएमसी जैसी सरकार कहीं होती है, देखिए ओपोजिशन की सरकारें रहती है ऐसे देश में बहुत सारे स्टेट में आज भी है, लेकिन इतने एडमेंट वो जो है ना मतलब रूल ऑफ लॉ तो वहां है ही नहीं, जो टीएमसी कहते हैं वही रूल बन जाता है, मतलब तानाशाही बोलना चाहते हैं, मतलब ये इस तरह की जो है तानाशाही कह लीजिए, हिटलरशिप कह लीजिए, या मतलब जो है मतलब अपने को बहुत समझ लेना, मुझे लगता है समाज के काम में और राजनीति भी सामाजिक काम है, इस काम में ये सब ठीक नहीं है। फिर भी हम जितने सांसद जो प्रयास हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लिस्ट बहुत उम्मीद है, आप कल भी सदन में देखिए, मेरा प्रश्न इसी को लेकर के आएगा, MPLAD का पैसा 3 साल होने को है, जी जी, 2.5 करोड़ रुपया जो पहली बार सेंक्शन किया था उसका भी आधा काम नहीं हुआ, 1.25 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ, जबकि अभी तक 15 करोड़ के काम सांसदों के हो चुके हैं, आप कल देखना, वही टीएमसी के जो सांसद है जी उनके पूरे काम हो रहे जी, तो मैं कल पूरा जो है कच्चा चिट्ठा खोलूंगा सदन में। सो ये सब चीजें हैं, हम संघर्ष करेंगे, हमारी पार्टी वो पार्टी है जमीन से उठ के आई है, 2 सांसद होते थे, आज 300 से ज्यादा है,
दुनिया की 20 करोड़ से ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, संघर्ष जारी है। बंगाल में संघर्ष करना है, केरल में संघर्ष करना है, और कुछ प्रांत में उड़ीसा में संघर्ष करना है, कर रहे हैं। लेकिन नियत साफ है और हमारा सोच एकदम क्लीन है, हमको देश के लिए, अपने राज्य के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जब नियत साफ हो, ऐसी बाधाएं आती है, समय के साथ समाप्ति भी हो जाती है। धन्यवाद राजू जी।